चार पंक्ति अच्छी लगे तो आशीर्वाद तालियों से देना, और अगर पसंद नहीं आए तो व्यास जी ने कहना मुझको तो व्यास जी ने उठाया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान जिसने मुझे उठाया उसे तू उठा। एक मरीज की अंतिम तल्लैटी घड़ी, एक मरीज की अंतिम तल्लैटी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी, तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा बोल तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला बोल डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा है मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? बढ़िया बढ़िया, वाह वाह। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चार पाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लोग चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमकत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। हाँ बढ़िया भाई। मैंने कहा कमकत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी ये कर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डिगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। वाह। इतनी सुनने पर गुस्से में तेज मैंने बैग उठाया कमरे से बाहर। घरबारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने क्या आत्महत्या करने? बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरबारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से ला। अच्छी लगी हो तो ताली अच्छी ठोको। वाह 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 वाह, बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चले आना, बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा ऐसा साहब। मेरा सौभाग्य कॉल लेटर आया एक नौकरी का दिन, और कॉल लेटर आदरणीय व्यास जी का आया उसी दिन। हम दोनों दिल्ली इंटरव्यू देने चले गए, जब इंटरव्यू देने चले गए हम दोनों तो पहले वहाँ मेरा नाम आया। बोल बाबूलाल डी गया? मैंने कहा जी हाँ। बेटा धीरे धीरे निकल जाओ चक्रान, क्योंकि कहा बेटे समझ में कोई बात नहीं। हाँ। वो तो मैंने कहा वो तो तू देख में आई है, मैं तो खाली कैसे हो देखी। मेरे लिए आवाज भरी, बोल बाबूलाल डिगिया साहब मैं अंदर इंटरव्यू देने में आप बुलाया। अधिकारी ने आवाज लगाई, बिल्कुल बाबूलाल डिगिया है। मैंने कहा सर मैं हूँ। बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। सर मैं इंटरव्यू देने अंदर गया, अधिकारी जी ने एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, और वो प्रश्न ऐसे सरकाया आपको बता रहा हूँ, मेरे से पूछा कि भारत के सब प्रथम प्रधानमंत्री का नाम? मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा साहब गोल है, चपटी है, खोज जारी है। ये भारत आजाद कब हुआ? मैंने कहा साहब 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है बेटा जा, तेरा इंटरव्यू हो गया। भाई साहब मैं इंटरव्यू देके बाहर निकला, व्यास जी मुझे गेट पर मिले। बोल डीगियाजी क्या पूछा बता? साहब मैं जल्दी जल्दी में 3 प्रश्नों के उत्तर बता गया, मैं पहले का पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का गोल है चपटी है खोज जारी है, और तीसरे का है 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। अब आज लगी बोल सोमदत्त व्यास। बोल जी हाँ। बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। भाई साहब इंटरव्यू देने अंदर गए,
अब इनको क्या पता का अधिकारी का मूड क्या होता है, अधिकारी ने प्रश्न ही बदल दिए। इनसे पूछी आपका क्या नाम है, ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है, बोल गोल है चपटी है खोज जारी है। अरे बोल तुम पैदा कब हुए, बोल 1857 थे, प्रयास किए गए 1947 में सफलता मिली, ऐसे याद रखिए ब्याज दिए। बढ़िया भाई बढ़िया। तो लीजिए साहब मेरा सौभाग्य नौकरी कोलेटर आया, मैं फूला नहीं समाया, खुद पढ़ा, मित्रों को पढ़वाया, 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस दिन 7 तारीख आई, साइकिल उठाई, दफ्तर आए, 5 अधिकारी बैठे पाए, वहाँ के चपरासी ने आवाज लगाई, बोल कोई डिगिया है भाई? मैंने कहा साहब डिगिया तो मैं हूँ। बोल बताओ बनों से हमें क्या लाभ होते हैं? मैंने कहा हजूर बनों से हमें बहुत लाभ होते हैं, बन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण बलात्कार करके बनों में तो छिप जाते हैं। दूसरे अधिकारी ने बुलाया, दूसरा प्रश्न सरकाया, बोल बेटा हिंदी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा सर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी के बारे में खूब जानते हैं। बोल बताओ ये गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है। क्या बात है, गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है, शाम को मैला बदन और गीले कपड़े वापस शर्मा जी के घर पहुंच जाती है। बोल तू किस गंगा की बात कर रहा है? मैं उस गंगा की बात कर रहा हूँ जो हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ियों में गिरती है, दिन भर पापियों का पाप धोती है। मैंने कहा हजूर वो गंगा पापियों का पाप धोती होगी, पर ये गंगा जब सुबह सुबह शर्मा जी के घर से जी के घर तक आती है तो दिन भर झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है, वो पापियों का पाप धोती है, उस पेट की खातिर झूठे बर्तन। आप दो मिनट का एक छोटा सा व्यंग, बहुत बढ़िया। कि मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण आपकी बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं राम के बांध से जलेगा। बोल पापा सचमान रामचंद्र जी खूब चला रहे बांध, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया, राम चला रहे थे बांध, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ, बोले अब हम रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा, तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूरख कहाँ से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तू तेरा पूरा हिंदुस्तान देख ले, आज संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहता। वाह। तब सिद्धियों का लेकर सहारा में ऊपर तक डंडा धीरे से रावण के कान में कहा भैया रावण जल जाओ, जनता परेशान है दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, हम रामचंद्र जी से आपका समझौता कराते हैं, आप मानवता हैं, आप मानव हैं, मानवता आपकी जात है, मुझे राम तो नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं, अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप। वही वाह बाबूलाल डिगिया।